परिवार का मुखिया था, ये परिवार का मुखिया चला गया है, इस पे आपके क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जनता से हो रही है होटल मालिक से आपकी बात नहीं, वो क्या कह रहे हैं? ये काम के दे रहे हैं रहने की भी जगह नहीं है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि सबको घर मिलना चाहिए। एक तो शासन प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में
उनके घर को बनाने का काम सरकार करेगी, हम लोग करेंगे। उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए की मदद वो घर को बनाने के लिए दी जाएगी। एक पारिवारिक लाभ योजना रहती है जो प्रशासन की ओर से दिया जाता है, लगभग 30,000 रुपये उसमें दिए जाएंगे। जो ऑनर हैं इसके कांत होटल के बिट्टू, उनसे भी बातचीत की हम सब लोगों ने, कहा कि इस परिवार की आप भले ही ये दुर्घटना हुई है, भले ही आपका कोई दोष नहीं होगा, लेकिन उस परिवार की जरूर कोई आर्थिक मदद करेगी। तो उनकी ओर से इस परिवार को 3 लाख रुपए वो देंगे, 2.5 लाख रुपए का मकान का दिया जाएगा, 30,000 रुपए की उनको पारिवारिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। और मुख्यमंत्री सहायता कोष से मैं कोशिश करूंगा कि इनको और भी किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद इसके परिवार को मिल जाए। और मेरा एक कमिटमेंट और है कि जब भी इस बच्ची की शादी होगी, ये परिवार मुझे याद करेगा और इस बच्ची की शादी हम समाज के लोग सब मिल करेंगे। जब भी होगी मैं इनके घर पर जाऊंगा, विधायक जी इनके घर जाएंगे, हम सब लोग पार्टी के और लोग भी इनके परिवार पर जाएंगे। यहाँ के जो माननीय सांसद हैं SP सिंह महीन साहब, वो भी इस परिवार में जाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है, सरकार इस परिवार के साथ है, क्योंकि बेहद गरीब परिवार है। ये सारी चीज़ें तय होंगी। अब ये वो लोग बात करेंगे, मैं तो जो संभव था यथासंभव हमने कोशिश की है कि जितना भी अधिक से अधिक इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके, वो सरकार की सहायता दी जा सके, वो क्योंकि जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने भी, मैं ये कह ही सकता हूँ कि आर्थिक सहयोग की तरफ से 3 लाख रुपये की घोषणा उन्होंने की है। एक सहायता है परिवार की, कोई हम दंड तो किसी पर रख नहीं सकते, ना हमें अधिकार है।